क्वांटम का कलेक्शन नंबर फोर्टीन रेडियल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट टाइम जो है मैंने इस इक्वेशन के ऊपर एंड किया था कि बी के प्लस वन बी के इज इक्वल टू वन ओवर के फॉर लार्ज के, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो एंड किया। अब अगर हम यहाँ पर लार्ज रो की अप्रॉक्सीमेशन लें तो जो बिहेवियर है इस इक्वेशन का फॉर लार्ज रो द बिहेवियर ऑफ समेशन के ज़ीरो से इन्फिनिटी ए के रो के इज़ द सेम एज e की पावर रो, ठीक है, जैसे कि e की पावर रो है तो इसका बिहेवियर सेम होगा लार्ज रो के केस में, अगर हम रो को बोल लार्ज लें। तो अगर आप रो को लार्ज ले रहे हैं तो सपोज करें लोड को इतना लार्ज ले रहे थे कि उसको इन्फिनिटी के बराबर ले, ठीक है, टेक रो गोज टू इन्फिनिटी। अगर रो जो है वो इन्फिनिटी की जा रहा है तो फिर एफ जो है आपके पास दैट गोज टू रो एल ई रो, और यहाँ पर आर एक फैक्टर डिफाइन कर देंगे कि रो एल ई की पावर रो ओवर टू, अब ये जो फैक्टर है ये ब्लो अप हो जाएगा यानी कि ख़त्म हो जाएगा एट लार्ज रो, इट विल ब्लोज अप एट लार्ज रो, लार्ज रो के ऊपर ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव एक्सपोनेंशन है इसकी ये प्रसाइजली एक एसिम्प्टोटिक बिहेवियर है, ठीक है, ये एसिम्प्टोटिक बिहेवियर को, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर का मतलब होता है कि जो किसी लिमिट की तरफ मूव कर रहा हो, जो किसी लार्ज लिमिट या लो लिमिट की वजह से कोई बिहेवियर अगर कोई सिस्टम शो कर रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर, क्योंकि हमें अब यहाँ पर लिमिट ही ले रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि वो लार्ज रो है यानी कि इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है कि ये एसिम्प्टोटिक बिहेवियर जो है उसको शो कर रहा है। अब ये जो है हमारे पास नॉर्मलाइज्ड भी नहीं है, अब आपने इसको अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पर सीरीज जो है इसको टर्मिनेट हमें करना पड़ेगा, और चूंकि ये नॉर्मलाइज नहीं है तो नॉर्मलाइज भी इसको आगे करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस सीरीज़ को टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है, हमें पॉलिनोमियल का सहारा जो है वो लेना पड़ेगा, यानी कि पॉलिनोमियल जो है उनको लेना पड़ेगा, और पॉलिनोमियल के अंदर हम पॉलिनोमियल की को मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब आप देखें कि जो एक पीछे हमने रिलेशन ये लिखा था
कि ये क्वेश्चन नंबर 11 जो थी कि ए के प्लस वन इज इक्वल टू के प्लस एस प्लस वन माइनस लैम्डा एन डिवाइडेड बाई के प्लस एल प्लस वन के प्लस एल प्लस टू माइनस एल इंटू एल प्लस वन ए के। ये एक इक्वेशन मैंने 11 जो है वो पीछे राइट डाउन की थी। तो अब मैं यहाँ पर अगर ये कंडीशन ले लूँ कि मैक्सिमम वैल्यू लूँ, ए के मैक्सिमम वैल्यू ले लूँ, यानी कि इसको मैं राइट डाउन करूँ कि ए के मैक्सिमम प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, इसके बराबर ले लूँ, यानी कि ये सारा ज़ीरो कर दूँ, तो इस तरफ ये वाली टर्म भी जाके सारी उस तरफ ज़ीरो हो जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा ये वाली टर्म रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूँ कि के मैक्सिमम प्लस एस प्लस वन माइनस लैम्डा एन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसको क्या ले लिया मैंने ज़ीरो, ये उस तरफ गया तो सारा ज़ीरो हो गया, पीछे ये बच गया। ठीक है, ये ऊपर वाली टर्म जो है मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर मेरे पास ये बच गया। अब यहाँ से आप लैम्डा एन की वैल्यू निकाल लें, तो लैम्डा एन जो है वो के मैक्सिमम प्लस एस प्लस वन के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर जो के मैक्सिमम है ये वेरी कर रहा है 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, और जो एल की वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन जा रही। अब एन आपको यहाँ पर पता है क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यू नो दैट। ठीक है, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और इसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इसकी वैल्यू ये होती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह इसकी वैल्यू होती है। तो अब अगर जो हमारे पास ये है लैम्डा एन, अगर मैं इसको कहूँ कि एन माइनस लैम्डा एन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो n जो है वो लैम्डा n के बराबर है। ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पर हमारे पास ये वाला लैम्डा n, इस लैम्डा n को अगर मैं डिफाइन करूँ, इसके अंदर अगर मैं s की जगह पर l की वैल्यू ले लूँ और मैं डिफाइन करूँ कि n जो है वो मेरे पास k मैक्सिमम प्लस l प्लस वन के बराबर है, एन माइनस लैम्डा एन एन इज इक्वल टू लैम्डा एन के बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर ये एन माइनस लैम्डा एन हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू ज़ीरो अगर मैं एस को एल से रिप्लेस कर दूँ। अब यहाँ पर आप इसका स्क्वेयर ले, एन स्क्वेयर लैम्डा स्क्वेयर एन के बराबर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर L को S से इसलिए रिप्लेस किया कि आपका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक टर्म जो है वो S या L की फॉर्म में इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो n स्क्वेयर है ये लैम्डा स्क्वेयर n n स्क्वेयर के बराबर आ गया। अब ये जो एन स्क्वेयर की वैल्यू है ये पीछे मैंने कैलकुलेट की थी इस लेक्चर के शुरू के अंदर, और ये वैल्यू जो थी हमारे पास लैम्डा एन जेड स्केयर ओवर 4 पाई ऑप्शन ऑन अटैच कट माइनस एम ओवर 2e, ये वैल्यू मैं पहले जो है इसको कैलकुलेट कर चुका हूँ लैम्डा एन की जो है। ठीक है, तो वो मैं लैम्डा एन की वैल्यू जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। आप पीछे अगर देखें तो उस लेक्चर के अंदर आपको नजर आ जाएगा।
ठीक है, तो वो लैम्डा एन की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो एन स्क्वेयर मेरे पास आ जाएगा जेड स्क्वेयर ई फोर डिवाइड बाई 16 पाई स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर माइनस एम ओवर टू ई एन ही आ गया। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एम स्क्वेयर। यहाँ पर लैम्डा एन की मैंने वैल्यू पुट कर दिया। ई एन जो है एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन एटम की, वो हमें पता है कि बराबर होती है माइनस एम जेड स्क्वेयर ई फोर 32 पाई स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर 1 ओवर एम स्क्वेयर, और एन आपको यहाँ पर पता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन के बराबर होता है। नेगेटिव का साइन इसलिए चूंकि अट्रैक्टिव एनर्जी है। तो अब हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो हाइड्रोजन एटम में जेड किसके बराबर होता है? 1 के। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड चूंकि 1 के बराबर है इसलिए ई एम जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस एम ई फोर 32 पाई स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट एच कट स्क्वेयर 1 ओवर एम स्क्वेयर आ गया। अब अगर आप ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालना चाहते हैं हाइड्रोजन एटम की यानी कि N1 के ऊपर, तो N1 के ऊपर जो है ये E1 हमारे पास आ जाएगा माइनस एम ई फोर डिवाइडेड बाई 32 पाई स्क्वेयर एप्सिलॉन स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर, तो 1 ओवर n स्क्वेयर 1 ओवर 1 के बराबर हो जाएगा। और इस सारे में ये कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज पुट करें तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की। अब आप ये सपोज करें कि पहले हमने कहा कि लैम्डा एन को एम लैम्डा स्क्वेयर एन को एन स्क्वेयर के बराबर ही है। अब अगर हम कहें कि जो लैम्डा एन है वो एन के बराबर, ठीक है, और अल्फा एन जो है अल्फा एन की वैल्यू भी अगर आप पीछे देखें तो मैंने डिफाइन की हुई है, ठीक है। अल्फा एन जो है ये हमारे पास जेड एम ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट स्क्वेयर लैम्डा एन के बराबर, और अगर यहाँ पर हाइड्रोजन एटम हो तो जेड 1 होगा, तो अल्फा एन जो है ये एम ई स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट स्क्वेयर लैम्डा एन के बराबर आ गया। इफ यू टॉक अबाउट हाइड्रोजन एटम, तो अब लैम्डा एन को मैंने एन के बराबर लिया हुआ है तो यहां पर लैम्डा एन की जगह पर मैं एन सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो लैम्डा एन में एन की जगह पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा अल्फा एन इज इक्वल टू एम ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट स्क्वेयर 2 ओवर एन, लैम्डा एन की जगह पर एन आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको डिफाइन करूँ कि अल्फा एन बराबर है 2 ओवर ए एन के, ठीक है, यानी कि लैम्डा एन इज इक्वल टू एन और अल्फा एन 2 ओवर ए एन, और यहाँ पर जो ए नॉट है
दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट स्क्वायर एम ई स्क्वायर। इसको हम ये जो ए नॉट होता है इसको हम कहते हैं बोहर रेडियस, ये ग्राउंड स्टेट का रेडियस होता है हाइड्रोजन एटम का। तो इसकी वैल्यू जो होती है इसके अंदर ये सारे कांस्टेंट पुट करें आप, पाई की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के एच कट स्क्वायर की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे पुट करें तो ये आपके पास आता है 0.0529 नैनोमीटर। इसको ए नॉट को हम कहते हैं बोहर रेडियस। अब जो आपका स्पेशल वेव फंक्शन है, स्पेशल वेव फंक्शन होता है जो स्पेस के अंदर वेव फंक्शन होता है। अब वो वेव फंक्शन अगर आपने हाइड्रोजन एटम का निकालना है तो उसके लिए आपको 3 क्वांटम नंबर डिफाइन करने पड़ेंगे, एन एल और एम एल। एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और एम एल मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पेशल वेव फंक्शन को अगर करना है टू डिफाइन स्पेशल वेव फंक्शन, इसको डिफाइन करने के लिए आपको 3 एन एल और एम एल ये क्वांटम नंबर जो है वो रिक्वायर्ड है। तो मैं इसको वेव फंक्शन को कहता हूं कि ये मेरे पास वेव फंक्शन जो है यू एन एल एम एल, ये स्पेशल वेव फंक्शन है और ये मेरे पास बराबर है आर एन एल ऑफ आर और वाई एल एम एल थीटा फाई, जिसमें रेडियल पार्ट है और एंगुलर पार्ट है। ठीक है, आर एन एल ऑफ आर और वाई एल एम एल ऑफ थीटा फाई, रेडियल और एंगुलर पार्ट। अब इसके अंदर जो आर एन एल ऑफ आर है जो कि रेडियल पार्ट है, आर एन एल ऑफ आर ये जो रेडियल पार्ट है ये बराबर है ई की पावर माइनस रो ओवर टू एफ ऑफ रो के बराबर। ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं वैल्यू एफ ऑफ रो की रख दूं तो आर एन एल ऑफ आर ई की पावर माइनस रो ओवर टू रो की पावर एल समेशन के 0 to k मैक्सिमम ए के रो के। ठीक है, इसके अंदर आप देखें कि k मैक्सिमम की वैल्यू हमने पीछे डिफाइन की थी जो कि बराबर है n माइनस एल माइनस वन के। तो आर एन एल ऑफ आर जो है ई की पावर माइनस रो ओवर टू रो एल समेशन के 0 एन माइनस एल माइनस वन ए के रो के बराबर आ जाएगा। के मैक्सिमम जो है दैट इज एन माइनस एल माइनस वन के बराबर आपको पता है। तो एफ ऑफ रो जो है दैट इज इक्वल टू रो एल समेशन के 0 to ∞ ए के रो के बराबर एन माइनस और इन्फिनिटी नहीं एन माइनस एल माइनस वन, ये आ गया। अब ये जो सारी
ये वाली क्वांटिटी आ रही है इसके अंदर, ये समेशन में, इसको मैं कह देता हूँ ये वी ऑफ रो के बराबर, इस सारे को वी ऑफ रो के बराबर ले रहता हूँ। तो एफ ऑफ रो इज इक्वल टू रो एल वी ऑफ रो, ठीक है, ये सारा जो है इसको किसके बराबर ले लिया, वी ऑफ रो के। अब वी ऑफ रो जो है ये एक पॉलीनोमियल है, और ये पॉलीनोमियल जो है इसकी डिग्री जो है, वी ऑफ रो इज ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री के मैक्स एन माइनस एल माइनस वन के बराबर है, ये इसकी डिग्री है। अब एफ जो है ये सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 8 का, अगर आप रिकॉल करें इक्वेशन नंबर 8, मैं लिख देता हूँ दोबारा इक्वेशन नंबर 8, एफ जो है उसका सॉल्यूशन था, और वो हमने सॉल्यूशन जो है वो रख के देखा था वहाँ पर इक्वेशन नंबर 8 के अंदर। इक्वेशन नंबर 8 जो है वो ये थी आपके पास, एफ डबल प्राइम प्लस 2 ओवर रो माइनस 1, एफ प्राइम प्लस लैम्डा एन माइनस 1 ओवर रो माइनस एल इंटू एल प्लस 1 ओवर रो स्क्वायर इंटू एफ इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 8 थी, ठीक है। ये शुरू में हमने ये इक्वेशन जो है इसको राइट डाउन किया था। अब आप ये जो इक्वेशन नंबर 8 है इसके अंदर इस एफ को आपने पुट करना, तो इस एफ को पुट करना है तो हमें एफ प्राइम चाहिए और एफ डबल प्राइम जो है वो चाहिए, तो एफ प्राइम हमारे पास आ जाएगा एल रो एल माइनस वन B प्लस रो एल बी प्राइम, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव ले, F डबल रो L इंटू एल माइनस वन रो L माइनस टू V प्लस L रो L माइनस वन B प्राइम प्लस L रो L माइनस वन v प्राइम प्लस रो एल v डबल प्राइम, एक उसमें एक सिंगल डेरिवेटिव के साथ और एक डबल जो है वो डेरिवेटिव के साथ, तो ये डबल डेरिवेटिव इन दोनों के ऊपर u और v जो है वो लगेगी। अच्छा, अब जो है आप इसको एफ डबल प्राइम को फर्दर सॉल्व अगर कर लें तो एफ डबल प्राइम को आप राइट डाउन कर सकते हैं रो एल वी डबल प्राइम, ठीक है, प्लस टू एल रो एल माइनस वन वी प्राइम प्लस एल इंटू एल माइनस वन रो एल माइनस टू वी। अब ये वैल्यूज जो हैं एफ प्राइम और एफ डबल प्राइम की, इनको इक्वेशन नंबर 8 जो है वो जो मैंने पहले लिखी थी उसके अंदर आपने वो जो ऊपर लिखी हुई है उसके अंदर आपने एफ प्राइम और एफ डबल प्राइम की जगह पर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। इसको सब्स्टिट्यूट करें क्वेश्चन नंबर 8 में तो ये आ जाएगा रो एल वी डबल प्राइम प्लस टू एल रो एल माइनस वन वी प्राइम प्लस एल इंटू एल माइनस वन रो एल माइनस टू वी प्लस टू रो माइनस वन
माइनस वन इंटू एल रो एल माइनस वन बी प्लस रो एल बी प्राइम प्लस लैम्डा एन माइनस वन रो माइनस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन रो माइनस टू ब्रैकेट क्लोज रो एल बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये सारी वैल्यूज उस इक्वेशन नंबर एट के अंदर एफ डबल प्राइम एफ प्राइम और एफ की हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इस सारी इक्वेशन को रो ऑफ एल से डिवाइड कर दें और लैम्डा एन की जगह पर एन को यूज करें। सारी इक्वेशन को रो ऑफ एल से डिवाइड कर दें और लैम्डा एन की जगह पर एन को यूज करें, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वी डबल प्राइम प्लस टू एल रो माइनस वन वी प्राइम प्लस एल इंटू एल माइनस वन रो माइनस टू वी प्लस टू एल रो माइनस टू वी प्लस टू रो माइनस वन वी प्राइम माइनस एल रो माइनस वन वी प्राइम वन वी और माइनस वी प्राइम प्लस एन माइनस वन रो माइनस वन वी माइनस एल इंटू एल प्लस वन रो माइनस टू वी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को जो है वो v प्राइम और v की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, v प्राइम और v की फॉर्म में, यानी कि जो v के साथ टर्म है उनको अलहदा कर लें और जो v प्राइम के साथ टर्म्स हैं उनको अलहदा कर लें। तो ये आ जाएगा आपके पास रो v डबल प्राइम प्लस 2l प्लस 2 माइनस रो v प्राइम प्लस एन माइनस एल माइनस वन बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने वी डबल प्राइम वी प्राइम और वी इसकी फॉर्म इसको कन्वर्ट कर दिया, तो इनको आप लिख सकते हैं रो डी स्क्वायर वी ओवर डी रो स्क्वायर प्लस टू एल प्लस टू माइनस रो डी वी ओवर डी रो प्लस एन माइनस एल माइनस वन वी इज इक्वल टू जीरो। अब ये सारी इक्वेशन जो है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, रो की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो एसोसिएटेड लेजेंड्रे पॉलिनोमियल हैं, क्योंकि ये आप पॉलिनोमियल की फॉर्म में ये इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो गया, तो अब हमने जो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल हैं उनको डिफाइन करना है इस इक्वेशन के लिए। तो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल जो हैं उनका फार्मूला जो होता है वो एल जे इज इक्वल टू ई रो डी जे डी रो जे ई की पावर माइनस रो रो जे। ठीक है, और यहाँ पर जे जो है ये आपके पास जाएगा जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन। ये मेरे पास लेजेंड्रे पॉलिनोमियल जो है उसका फार्मूला आ गया। अब इससे जो एसोसिएटेड हमारे पास
जो पॉलिनोमियल है वो आ जाएगा एल जे के, दैट इज इक्वल टू डी के एल जे डिवाइडेड बाई डी रो के। और यहां पर जो डिग्री है इस एल जे की, डिग्री ऑफ एल जे इज इक्वल टू जे, ये जे के बराबर। और जो डिग्री है एल जे के की, डिग्री ऑफ एल जे के दैट इज इक्वल टू जे माइनस के, और ये तब है जब जे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू के है। तो अब ये जो एसोसिएटेड लगारे पॉलिनोमियल है, ये बेसिकली सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ये जो अभी आपने रहा यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी है, तो ये जो पॉलिनोमियल हमने यहाँ पर डिफाइन किया लगारे पॉलिनोमियल, ये बेसिकली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं फिर इस इक्वेशन को कर रो डी स्क्वायर एल के जे डिवाइडेड बाई डी रो स्क्वायर प्लस के प्लस वन माइनस रो डी एल के जे ओवर डी रो प्लस जे माइनस के एल के जे इज इक्वल टू जीरो। अब ये एसोसिएटेड लगा रहे पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो अब इस ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसके अंदर, अब अगर आप सपोज करें कि मैं यहां पर डिफाइन हम करते हैं कि के जो है वो 2l प्लस 1 के बराबर है और j जो है वो m प्लस l के बराबर है, अब ये इक्वेशन जो है जो अभी हमने ये लिखी है ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूशन अगर हम करें तो रो डी स्क्वायर एल टू एल प्लस वन एन प्लस एल डिवाइडेड बाय डी रो स्क्वायर प्लस टू एल प्लस टू माइनस रो डी एल टू एल प्लस वन एन प्लस एल डी रो प्लस एन माइनस एल माइनस वन एल टू एल प्लस वन एन प्लस एल इज इक्वल टू जीरो। अगर ये वाली इक्वेशन जो है इसको मैं कह दूं ये ए है और इस इक्वेशन को मैं कह दूं ये बी है, ठीक है, इस इक्वेशन को, ये कौन सी इक्वेशन है लगारे पॉलिनोमियल की, सॉरी ये इक्वेशन जो है ये लगारे पॉलिनोमियल किया और ये वो इक्वेशन है जिसको हमने रो के और वी की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करना, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करें ए एंड बी, कंपेयर ए एंड बी, ए और बी को आप कंपेयर करें तो जो वी ऑफ रो है हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू ए एन एल समेशन एल टू एल प्लस वन एन प्लस वन ऑफ रो के बराबर आ जाए। अब ए एन एल जो है वो कांस्टेंट है इसके अंदर, ठीक है, और ये कांस्टेंट जो ए एन एल है इसकी वैल्यू हमें चाहिए,
इसको कैलकुलेट जो है वो करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। अब जो आपका रेडियल वेव फंक्शन है आर एन एल ऑफ आर, ये इस फॉर्म का बन गया है ई की पावर माइनस रो बाय टू रो एल ए एन एल रो, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं आर एन एल ऑफ आर इज इक्वल टू ए एन एल ई की पावर माइनस रो ओवर टू रो एल एल एन प्लस एल टू एल प्लस वन रो। अब यहाँ पर जो हमें पता है कि रो जो है वो बराबर है अल्फा एन आर के, और अल्फा एन को हम बराबर ले रहे हैं टू ओवर एन ए के। तो ये वाली सब्स्टिट्यूशन इसमें कर दें तो आर एन एल ऑफ आर जो है ये बराबर आ जाएगा ए एन ई की पावर माइनस अल्फा एन आर ओवर टू अल्फा एन आर एल टू एल प्लस वन एन प्लस एल और अल्फा एन आर, और रो की जगह पर मैंने अल्फा एन आर जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपको जो है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो है वो चाहिए, ठीक है। ये ए जो है एन इसको फाइंड करने के लिए ए एन एल को, इस ए एन एल को फाइंड करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन चाहिए। तो साई एम एल एम एल साई एन एल एम एल इज इक्वल टू वन, या आप इसको लिख सकते हैं यू स्टार एन एल एम एल यू एन एल एम एल डी वी इज इक्वल टू वन। ये ज़रा हाजरी लगाओ, और अगर जो उठ के जाते हैं ना इनके रोल नंबर इसके ऊपर लिखो ज़रा, और कल से ये मुझे क्लास में नज़र ना आए। इनके नज़दीक ये जो मैं बकवास लिख रहा हूँ ये कुछ किसकी कोई अहमियत नहीं। ये जो लड़कियां यहाँ से उठ के गई हैं इनके भी लिखो, और ये जो लड़के उठ के गए हैं इनके भी लिखो। मैं देखता हूँ ये अब कैसे क्लास में आती हैं, वैसे ही ना आए आप लोग क्लास के अंदर, पहले ही उठ के दफा हो जाया करें, मेरे आने से पहले ही उठ के दफा हो जाया करें। मैं आगे वैसे ही लगा के रिकॉर्ड कर लूँ, मुझे नहीं चाहिए आप। और ये क्वांटम मैकेनिक्स है, ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, इसमें ऐसी ही कैलकुलेशन होती है। ये नहीं है कि आपको कोई पका हुआ हलवा जो है वो देख के अंदर वो मिलेगा खाने के लिए। अभी ये मैं सारे स्टेप कर रहा हूं इसके अंदर, किताब खोल के जरा देखो एक के बाद दूसरी, उसके अंदर 15 स्टेप्स होते हैं उसके अंदर। आ जाते हैं मुंह उठा के बी एस करते हैं, खबरदार कल कोई स्टूडेंट मेरे क्लास में आने से पहले वो क्लास में से दफा हो जाए।
मेरे सामने वो उठ के क्लास से मत जाए, मुझे किसी इस तरह के स्टूडेंट की जरूरत नहीं है। समझ आई है बात? मेरे आने से पहले दफा हो जाए और आइंदा उसको क्लास में आने की कतन कोई जरूरत नहीं। यहां पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर डी वी जो है ये आर स्क्वायर साइन थीटा, तुम लोगों को ज्यादा रोजा लगा हुआ है, मुझे नहीं लगा हुआ, तुम लोगों ने ज्यादा रोजा रखा हुआ है, मैंने कम रखा हुआ है। नकम्मी कौम। अच्छा, इसके अंदर अब ये जो साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई है, इस डी थीटा डी फाई और साइन थीटा, इसको मैं कह देता हूं कि ये कोई डी ओहम के बराबर है डी फाई, तो ये इसके बराबर है आर स्क्वायर डी आर डी ओ। अब आप देखें कि इसके अंदर वेव फंक्शन, वो जो मैंने पीछे इक्वेशन लिखी थी उसके अंदर ये वेव फंक्शन पुट करें, आर स्क्वायर एन एल ऑफ आर वाई स्टार एल एम एल थीटा फाई आर एन एल ऑफ आर वाई एल एम एल थीटा फाइव आर स्क्वायर डी आर डी ओ हम दैट इज इक्वल टू वन। नाउ ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको आप लिख लें आर स्क्वायर एन एल एफ आर वाई एल एम एल का स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर डी ओ हम इज इक्वल टू वन। अब जो है इसके ऊपर लिमिट्स ले लें, क्योंकि दो इंटीग्रेशन हो रही हैं, एक डी ओहम के ऊपर हो रही है और एक आर स्क्वायर के ऊपर हो रही है, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपके पास जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रल आर स्क्वायर एन आल ऑफ आर वाई एल एम एल का स्क्वायर डी ओहम आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू वन। अब इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक डी ओहम के साथ पार्ट है और एक डी आर के साथ पार्ट है। तो डी ओहम के साथ ये वाला पार्ट है वाई एल एम एल थीटा फाई का स्क्वायर डी ओहम इज इक्वल टू वन, ठीक है। एक ये और दूसरा है जीरो से इन्फिनिटी आर स्क्वायर एन एल ऑफ आर आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू वन, ये दो पार्ट हैं। तो पहले जो है हम ये वाला पार्ट जो है इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसके अंदर आर एन एल ऑफ आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो जीरो से इन्फिनिटी ए एन एल ई की पावर माइनस रो ओवर टू एल टू एल प्लस वन एन प्लस एल इंटू रो का स्क्वायर
आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू वन। अब अगर मैं इसका स्क्वायर जो है वो ओपन कर दूं तो ए स्क्वायर एन एल अल्फा एन माइनस थ्री जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस रो ओवर टू का स्क्वायर और रो टू एल इनटू एल टू एल प्लस वन एन प्लस एल इंटू रो का स्क्वायर और अल्फा एन आर का स्क्वायर और डी अल्फा एन आर इज इक्वल टू वन। ठीक है जी, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब अल्फा एन आर मैंने अल्फा एन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फा एन आर जो है वो किसके बराबर है, वो रो के बराबर है। आपने पीछे इसको डिफाइन किया है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एन एल अल्फा एन माइनस क्यूब जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस रो रो टू एल एल टू एल प्लस वन एन प्लस एल इंटू रो का स्क्वायर। अब ये रो में कन्वर्ट हो गया, रो स्क्वायर डी रो इज इक्वल टू वन। अब ये रो इसके साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एन एल अल्फा एन माइनस जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस रो रो टू एल प्लस टू एल टू एल प्लस वन एन प्लस एल इंटू रो का स्क्वायर डी रो इज इक्वल टू वन। अब ये जो इंटीग्रल होता है इसका लैग्रैन्ज पॉलीनोमियल का, ठीक है, ये पता नहीं आपने लैग्रैन्ज पॉलीनोमियल मेथड ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़े हैं या नहीं पढ़े होंगे, पर देख तो ऐसे ही रहे हो जैसे बहुत हराम जैसे कि जैसे ये कभी चीज़ पहले नहीं देखी। बारह तो वो जो लैग्रैन्ज पॉलीनोमियल होते हैं उनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, ठीक है। तो मुझे मैं वो उसको इसको लैग्रैन्ज पॉलीनोमियल में कन्वर्ट करने का मकसद ही ये था कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सके, उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है वो की जा सके। तो ये जो आपको पता है कि जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस रो रो के प्लस वन एल के एम रो का स्क्वायर डी रो इज इक्वल टू एम फैक्टोरियल का क्यूब एम माइनस के फैक्टोरियल और टू एम प्लस टू एम माइनस वन प्लस के, ठीक है। ये फार्मूला होता है इसका, यानी कि इस इंटीग्रल का ये फार्मूला होता है।
ये डायरेक्ट मैंने यहां पर लिखा है। तो अब पुट करें आप k इज इक्वल टू 2l प्लस 1 और m इज इक्वल टू n प्लस l, ये पुट कर दें इसके अंदर तो ये आएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस रो रो 2l प्लस 2 l 2l प्लस 1 n प्लस l इंटू रो का स्क्वेयर इज इक्वल डी रो इज इक्वल टू। अब ये वाला फार्मूला इसके ऊपर हमें लगा दें, ठीक है, कौन सा ये वाला इसके ऊपर, तो ये वाला इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास n प्लस l का फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई n माइनस l माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 2n प्लस 2l माइनस 2l माइनस 1 प्लस 1। अब ये आपके पास जो है ये इंटीग्रल जो है ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये हमने एक इक्वेशन लिखी थी ये वाली, इसको कह देंगे स्मॉल इक्वेशन ए, ये जो है इस इक्वेशन के अंदर आप देखें कि ये वाला इंटीग्रल सॉल्व हो गया, ये वाला इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिटी वाला सॉल्व हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर एन एल अल्फा माइनस 3 एन एन प्लस एल फैक्टोरियल का क्यूब डिवाइडेड बाय एन माइनस एल माइनस 1 का फैक्टोरियल 2 एन इज इक्वल टू 1। तो यहां से ए स्क्वेयर एन एल की वैल्यू निकालें तो अल्फा क्यूब एन एन माइनस एल माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 एन एन प्लस एल का फैक्टोरियल का क्यूब। तो इसका मतलब है कि ए स्क्वेयर एन एल हमारे पास आ गया 2 ओवर एन ए का क्यूब एन माइनस एल माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 एन एन प्लस एल का फैक्टोरियल का क्यूब। ठीक है, ये ए स्क्वेयर एन एल की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ गई। अब अगर आप जो है इसको ए एन एल कर दें यानी कि इसका अंडर रूट ले लें तो ए एन एल हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ओवर एन ए का क्यूब एन माइनस एल माइनस 1 फैक्टोरियल 2 एन एन प्लस एल फैक्टोरियल का क्यूब और ये सारे का अंडर रूट, ये ए एन एल की वैल्यू निकल आई। तो अब कांस्टेंट आपने निकाल ली है लिहाजा अब पूरा वेव फंक्शन जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं
हाइड्रोजन एटम का। तो साई एन एल एम एल आर थीटा फाई और टी, ये पूरा वेव फंक्शन है। तो ये आर एन एल एफ आर एम एल थीटा फाई ई की पावर माइनस एटा ई एन टी ओवर एच का, ये पूरा वेव फंक्शन है हाइड्रोजन एटम का। तो इसके अंदर आप वैल्यूज आप पुट कर दें जो निकालनी है आपने, साई एन एल एम एल इज इक्वल टू अंडर रूट ए एन एल की वैल्यू टू ओवर एन ए का क्यूब एन माइनस एल माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू एन एन प्लस एल का फैक्टोरियल का क्यूब। e की पावर माइनस गैमा ओवर एन ए टू आर ओवर एन ए इंटू एल और एल टू एल प्लस वन एन प्लस एल टू आर ओवर एन और y एल एम एल थीटा फाई ई की पावर माइनस योटा ई एन टी ओवर एच कट। ठीक है, यह आ जाएगा। आप इसको फर्दर आप रीअरेंज कर लें तो साई एन एल एम एल इज इक्वल टू अल्फा एन क्यूब एन माइनस एल माइनस वन का फैक्टोरियल टू एन एन प्लस एल का फैक्टोरियल का क्यूब ई की पावर माइनस अल्फा एन गैमा बाय टू अल्फा एन गैमा इनटू एल और एल टू एल प्लस वन एन प्लस एल और अल्फा एन गैमा साई एल एम एल थीटा फाई ई की पावर माइनस योटा ई एन टी ओवर एच का। अब इसके अंदर आपको पता है कि अल्फा एन टू ओवर एन ए के बराबर है, ए जो है ये बराबर है फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ई स्क्वायर के। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर ये तो रेडियल पार्ट हमने ये लिख दिया, ये चीज़ अभी रह गई है इसके अंदर। तो ये चीज़ जो होती है ये भी पीछे आपने कैलकुलेट की थी, ठीक है। वो क्या हमने कैलकुलेट किया था कि वाई एल एम एल थीटा फाई वो था थीटा एल एम थीटा और फाई ऑफ फाई, इनकी भी इक्वेशन आपने निकालनी थी, ठीक है। इसकी इक्वेशन निकालनी थी, ये बड़े थीटे की इज इक्वल टू टू एल प्लस वन एल माइनस एम का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू पाई एल एम का फैक्टोरियल का अंडर रूट और साथ में था पी एम एल का आधा थीटा, ठीक है। और फाई जो था इसको आपने निकाला था वन ओवर टू पाई ई की पावर
आयोटा एम फाइव। ये वैल्यूज भी उसके अंदर पुट कर दें तो ये पूरा वेव फंक्शन जो है ये किसका निकल आएगा, हाइड्रोजन एटम। अब इसके आगे जो है वो ये क्वेश्चन है, उसमें आपने रेडियल वेव फंक्शन फाइंड करना है, ये वैल्यूज फाइंड करनी है R10, R20, R21। अब आपने जो रेडियल वेव फंक्शन निकाला है RNL, उसके अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे और ये वाले रेडियल वेव फंक्शन जो है उनको कैलकुलेट करेंगे। ये बुक में कैलकुलेट हुए होंगे, ठीक है, इनको मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा, फार्मूले निकल आए हैं, ये कैलकुलेट हो गए हुए हैं, ये आपने खुद कैलकुलेट करने हैं। नो नेक्स्ट जो है वो ये अब हाइड्रोजन एटम जो है ये ख़त्म हो गया, ठीक है, इसका यानी कि जो हमने सॉल्यूशन निकालना था वो निकाल लिया। ये पूरा वेव फंक्शन जो है जिसके अंदर रेडियल पार्ट भी था, एंगुलर पार्ट भी था और एजमूथल पार्ट भी था, वो सारे आपने कैलकुलेट जो है वो किए हैं। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन वो आ सकता है, ये मैं आपको बता दूँ, आया हुआ है ना। तो ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि ये बड़ा ऐसे इसको छोड़ के तो हम बच जाएंगे, बच नहीं सकते, ठीक है, और ये करना पड़ेगा आपको। और इसको करने का तरीका ये होता है कि अभी इसको जाके दोबारा से इसको पूरे को कैलकुलेट करते हैं नए सिरे से। रेणु अच्छा जी, उसके बाद है डी जनरेसी। तो डी जनरेसी जो है इसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कोई ऐसे लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस कि जिनकी सेम जो है वो ऑपरेटर हो, जो बिलोंग कर रहा हो सेम आइगन वैल्यू, यानी कि आप ऑपरेटर को ऑपरेट करें और सेम ही आइगन वैल्यू आपके पास निकले, तो हम कहते हैं कि ये आइगन वैल्यू जो है ये डी जनरेट है, इसको हम कहते हैं दैट इज एम फोल्ड जी जनरेट आइगन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये आइगन वैल्यू जो है इसको हम कह देंगे कि ये आइगन वैल्यू एम के बराबर है, ठीक है, और हैमिल्टोनियन साई एन एल एम एल ई एन साई एन एल एम एल। और आपको पता है कि अगर एल स्क्वेयर को ऑपरेट करें तो इसके बराबर आता है, और अगर एल जेड को करें तो ये होता है एम एल एच कट साई एन एल एम एल। यहाँ पर एन जो है ये 1, 2, 3, 4 आपको सो ऑन के बराबर है। तो अभी आपने हाइड्रोजन एटम की एनर्जी जो है वो कैलकुलेट की है कि माइनस एम जेड स्क्वेयर ई 4 डिवाइड बाई 32 पाई स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर 1/m², और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ई नॉट ओवर एम स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। जेड को 1 कर दें तो हाइड्रोजन एटम बन जाएगा, एन को 1 कर दें तो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट जो है वो बन जाएगी। इसमें एल जो है ये 0, 1, 2 अप टू सो ऑन एन माइनस 1 तक जाता है, और एम एल जो है ये माइनस एल से एल तक।
क्या आपको पता है? तो इसका मतलब है कि समेशन एल ज़ीरो से टू एन माइनस वन अगर मैं लूँ, सॉरी एन माइनस वन, तो टू एल प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस थ्री प्लस फाइव अप टू सो ऑन का सीक्वेंस बन रहा है टू एन माइनस वन। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये सीक्वेंस बराबर है एन ओवर टू वन प्लस टू एन माइनस वन के, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये इस सीक्वेंस से है एस एन एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन, तो ये आ जाएगा समेशन एल ज़ीरो टू एन माइनस वन टू एल प्लस वन एन स्क्वेयर, ठीक है। ये जो दोनों ये दो दो से काट जाएगा वन वन से, तो ये एन स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा, एन स्क्वेयर यानी कि स्क्वेयर के साथ आ जाएगा। इसका मतलब है कि डिग्री ऑफ डी जनरेसी जो है ई एन की, डिग्री ऑफ डी जनरेसी जो ई एन की है वो कितनी है, एन स्क्वेयर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि एन स्क्वेयर फोल्ड डी जनरेट है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको रिक्वायर है कि टू एन स्क्वेयर हो, ठीक है, यानी कि एन स्क्वेयर नहीं टू एन स्क्वेयर के बराबर जो है वो ये हो। तो आप इसकी मदद से जो है वो पूरा टेबल आप बना सकते हैं, यानी कि एन एल और एम एल इनकी वैल्यूज को आप चेंज करें, ठीक है, ये जो क्वांटम नंबर्स हैं तो इनकी मदद से आपके पास वेव फंक्शन जो है वो बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास केस एक लेता हूँ कि एल ज़ीरो है, तो एल ज़ीरो के लिए एम एल टू एल प्लस वन होगा, ठीक है, तो एम एल टू इंटू ज़ीरो प्लस वन, यानी कि एम एल की मेरे पास एक वैल्यू है, ठीक है। और वेव फंक्शन मेरे पास फिर क्या बनेगा, साई वन ज़ीरो ज़ीरो, और डी जनरेसी होती है एम स्क्वेयर। तो अब चूंकि आपके पास यहाँ पर एल ज़ीरो एम एल ज़ीरो है, वन आ रहा है, क्वांटम नंबर वन है पहला, एन वन है, तो ये डी जनरेसी कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। इसी तरह आप इसको ज़ीरो वन के लिए, ज़ीरो वन टू के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर टू के लिए करेंगे तो फोर हो जाएगा इसकी डीजनरेसी, थ्री के लिए करेंगे तो कितनी हो जाएगी, नाइन हो जाएगी। ये वो मैंने टेबल बनाया हुआ बुक के अंदर, वो देख लेना वहाँ से। अच्छा, उसके बाद जो है ये हमारे पास होते हैं क्वांटम नंबर्स, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जिसको आप एन कहते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है जिसको हम एल कहते हैं, एन जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, वन टू थ्री फोर, ठीक है, एन की वैल्यू जाती है वन टू थ्री फोर, एल की वैल्यू जाती है ज़ीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। और जो एम एल होता है, एम एल की वैल्यू होती है टू एल प्लस वन, यानी कि एम होगा ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर एंड सो ऑन, ठीक है जी। इसी तरह होता है स्पिन क्वांटम नंबर एम एस, इसकी दो वैल्यूज होती हैं, एम एस वन बाई टू, एम एस माइनस वन बाई टू, ये आपने पढ़े हुए हैं पहले भी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स में। उसके बाद ये छोटा सा आर्टिकल है आगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर पढ़ा होगा, ये टॉमिक एंड मॉलिक्यूलर में भी आएगा मेरा ख्याल। अभी पढ़ लिया कि पढ़ना है, पढ़ना है अभी है।
बारह मैं बता रहा, तो ये इसके अंदर थोड़ा सा ये है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है जिसके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हों वो एक ही स्टेट के अंदर नहीं रह सकते। दो इलेक्ट्रॉन जिनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हों वो एक ही स्टेट के अंदर नहीं रह सकते, उनके जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं उनको अलग होना पड़ेगा। अब सेट ऑफ क्वांटम नंबर कौन से होते हैं? एन एल एम एल एम एस, ये चार क्वांटम नंबर होते हैं। तो इनमें से चेंज कौन सा होगा? एम एस, एम एस एक दफ़ा वन बाई टू होता है और एक दफ़ा माइनस वन बाई टू होता है। तो अगर एम एस वन बाई टू और माइनस वन बाई टू होगा तो फिर दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक स्टेट में रह सकते हैं, लेकिन अगर सेम हो तो फिर वो एक स्टेट के अंदर नहीं रह सकते। अब इसके अंदर हम कहते हैं शेल का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सब शेल का। मिसाल के तौर पर शेल के लिए हम कहते हैं कि अगर n वन हो तो k शेल होता है, उसके बाद n टू हो तो l शेल होता है, n थ्री हो तो m शेल होता है, n फोर हो तो n शेल होता है। ये शेल भी जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? ये एनर्जी स्टेट्स ही होती हैं आपके पास। उसके बाद इसके अंदर एक और होते हैं जिनको हम कहते हैं सब शेल्स, जिनको हम कहते हैं एस पी डी एफ। ये होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये भी पढ़नी होती है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर में कि किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो किस तरह बनाई जाती है। ठीक है, वो सब शेल से बनती है जिनको हम कहते हैं एस पी डी एफ। और एस पी डी एफ जो होते हैं इनका तल्लुक होता है जिस तरह शेल का तल्लक एन के साथ है, एस पी डी एफ का तल्लक जो है वो एल के साथ, ऑर्बिटल मोमेंटम के साथ। यानी कि अगर एल जो है वो ज़ीरो है तो एस सब शेल है, अगर एल वन है तो पी सब शेल है, अगर एल टू है तो डी सब शेल है, और अगर एल थ्री है तो एफ सब शेल है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब अगर आपने किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए ये सब शेल्स जो हैं इनको यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि जिंक 30 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो ये होगी 1s² 2s² 3s² 3p6 और 4s² और 3d10। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसमें होता है होम्स रूल, उसको लगाते हैं और उसकी मदद से लिखते हैं। भैया यहाँ पर इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट बता दिया किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, लेकिन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आएगी कि आप उसके ऊपर किस तरह होम्स रूल लगाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको राइट डाउन करते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया ये वाला। अब मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करूँगा आइडेंटिकल पार्टिकल का।